14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी दीक्षा भूमि पर स्वयं दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस घटना को 66 साल का वक्त बीत चुका है। ये जो समूह जिसके साथ इस वक्त हम लोग बैठे हैं, ये है दीक्षा भूमि वंदना संघ। बड़े लंबे समय से ये एक्टिविज्म रविवार के दिवस चलता है और प्रत्येक रविवार को मौसम चाहे जो हो, लेकिन ये ग्रुप हमेशा हर रविवार को यहाँ इकट्ठा होता है। सामाजिक विषयों पर, धार्मिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा करता है और चर्चा के बाद एक विशेष ऐसी योजना के साथ ये आगे भी बढ़ता है। इस ग्रुप के इस एक्टिविज्म के साथ आज आपको जोड़ेंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा मूल्यांकन है बाबा साहेब के धम्म क्रांति के प्रभाव का। हमारे साथ इस वक्त इस दीक्षा भूमि वंदना संघ के सारे जो सीनियर सदस्य हैं वो तो हैं, लेकिन बातचीत शुरू करेंगे प्रोफेसर देवीदास घोड़ेस्वार के साथ, जो कि इस समूह के एक संस्थापक सदस्य के रूप में हम बड़े लंबे समय से इनको देखते हैं। सर, स्वागत। जय भीम। नमो बुद्धाय। सर, हम आपसे बात यहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि वंदना संघ का दीक्षा भूमि पर ये जो एक्टिविज्म है, इसको शुरू करने के पीछे क्या मकसद रहा था उस वक्त? सर्वप्रथम तो मैं आवाज इंडिया को आने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष में अपनी मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और आवाज इंडिया के माध्यम से आज वंदना संघ शायद सारे भारत में जाएगा और यह अवसर हमें देने के लिए भी मैं आवाज इंडिया को धन्यवाद देता हूँ। हम ऐसा मानते हैं कि वंदना संघ के अस्तित्व का प्रयोजन क्या है, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो बुद्ध का धम्म दिया, तो बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, धम्म की फिलॉसफी के प्रति और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रति समर्पित लोग हैं। इस समर्पण में किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं है, जिसको हम अनकंडीशनल समर्पण कहते हैं। सिर्फ समर्पण से काम नहीं होगा, यह भी हम जानते हैं, और इसीलिए यदि बुद्ध, धम्म और बाबा साहब यह लोगों तक पहुंचाना, यह भी बहुत जरूरी है, अन्यथा हम अपने आप तक सीमित रहेंगे। परंतु यह पहुंचाने के लिए जो स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने स्वीकृत की हैं या अवलंबित की हैं, वह यह मानती हैं कि यह जीवंत व्यक्तियों का संघ है और जीवंत व्यक्तियों से हमें जुड़ना है, तो इसीलिए जीवंत प्रश्नों को लेकर जुड़ना चाहिए, मृत प्रश्न को नहीं, या जो अज्ञात भविष्य है वह भी नहीं। हम वर्तमान में जीवंत लोगों का संग, जीवंत लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए उनकी जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का समाधान धम्म में है, बुद्ध में है, बाबा साहब में है, संविधान में है, तो उन समस्याओं के समाधान के प्रयास से हम बुद्ध, धम्म, बाबा साहब और संविधान लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। कितने लोगों को जानकारी है मुझे मालूम नहीं वंदना संघ के इस योगदान के संबंध में, जिसके साथ भंते सुरई ससाई भी बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, एक पीढ़ी बीत गई, मैं 2002-03 की बात कर रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजमेंट्स आए थे कंटिन्यूसली, जो मेरे लिए बड़े ही, वो आंदोलन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 3 जजमेंट्स कंटिन्यूसली आए थे, एक को हम कहते हैं TMAPI, दूसरे को हम कहते हैं इस्लामिक एकेडमी और तीसरे को हम कहते हैं PA इनामदार। आज भी वह प्रश्न अलग अलग माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किया जाता है एजुकेशन के संबंध में। जजमेंट्स यह कहते थे कि एजुकेशन इज फॉर प्राइवेट गुड, दोज हु वांट दे मस्ट पे। इसका मतलब शिक्षा जो है
ये निजी लाभ के लिए है और इसके लिए जिसको चाहिए उसने खरीदना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि जो खरीद सकता है उसे ही शिक्षा मिलेगी, और फिर खरीदने के बाद यदि वो शिक्षा लेता है तो शिक्षा का मोल भी समाज से वसूल करेगा। यह फिलॉसफी सर्वोच्च न्यायालय प्रस्थापित करना चाहता है। यह फिलॉसफी बुद्ध की फिलॉसफी के विरुद्ध है, क्योंकि बुद्ध कहता है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। यह फिलॉसफी ज्योतिबा फुले की शिक्षा की नीति के विरुद्ध है, क्योंकि ज्योतिबा फुले कहते हैं शिक्षा के बिना मुक्ति नहीं। यह फिलॉसफी छत्रपति शाहू महाराज के फिलॉसफी के विरुद्ध है, वो कहते हैं कि जो टैक्स देता है एजुकेशन उसका राइट है। और यह फिलॉसफी डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी के विरुद्ध है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि यदि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए अंग्रेजों से नहीं, हिंदू धर्म की व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से मुक्ति चाहिए, एक मुक्त प्रतिष्ठित जीवन जीना है, तो शिक्षा के बिना यह संभव नहीं है। शिक्षा एक ही है, और वही शिक्षा सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से छीन ली गई थी। इधर संविधान कहता है कि सबको शिक्षा का हक है, और उधर सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान के संरक्षण की गारंटी देता है वो कहता है कि नहीं, यदि औकात है तो खरीदो, नहीं तो मत पढ़ो। क्या जरूरत क्या है पढ़ने की आपको, क्योंकि काम तो बहुत मिलता है, हजारों सालों से आप मेहनत मजदूरी करते आ रहे हो, मरे तो नहीं हो, अभी भी करते रहो और जिंदा रहो, फर्क क्या पड़ता है। परंतु बाबा साहब की फिलॉसफी और संविधान हमें यह कहते हैं कि यह हक है आपका, और इसीलिए अनुच्छेद 16(4) और 15(4) संविधान में आए हैं। और यह जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था यह 16(4) और 15(4) के अगेंस्ट में था। हम लोगों ने इन सारे तीनों डिसीजंस का अध्ययन किया, उनका सिनॉप्सिस बनाया, उनको हिंदी और अंग्रेजी में ये सिनॉप्सिस बनाया, करीब 400 सांसदों के पास हम लोग पहुँचे कि भाई ये नीति ये निर्णय बदलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते थे कि यह निर्णय केवल पार्लियामेंट बदल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय यदि लोक विरोधी है, जन विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो शायद सर्वोच्च न्यायालय फिर से नहीं बदलेगा या बदलेगा भी, परंतु पार्लियामेंट यह एकमात्र है। बंटे जी उस समय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य थे, 2003 की बात मैं कर रहा हूँ। बंटे जी से हमने अनुरोध किया, और कितने लोग जानते हैं मालूम नहीं, 2003 में नागपुर में सर्वप्रथम वंदना संघ के माध्यम से बंटे जी के नेतृत्व में 10 दिसंबर 2003, आप पूछिए क्यों 10 दिसंबर, 10 दिसंबर इसलिए कि 10 दिसंबर मानवाधिकार दिन है, और 10 दिसंबर इसी लिए कि उस समय असेंबली नागपुर में थी, असेंबली का सेशन, तो एक बड़ा मोर्चे का आयोजन किया गया, और ये वंदना संघ के माध्यम, वंदना संघ के माध्यम से बंटे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के मंत्री जी आए। पीए इनामदार प्रकरण महाराष्ट्र का था, और पीए इनामदार प्रकरण में महाराष्ट्र का कौन वकील है सरकार की ओर से किसी को मालूम नहीं, उसमें कुछ लिखा नहीं है, ये महाराष्ट्र की। तो मंत्री जी आए, हमने उनको कहा कि हमें आपसे कुछ भी मांगना नहीं है, क्योंकि यह विषय आपका है नहीं, यह विषय तो पार्लियामेंट का है, आप क्या दे सकते हो, सिर्फ यह चाहते हैं हम कि सर्वोच्च न्यायालयों के इन निर्णयों पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भूमिका क्या है, यदि वो स्पष्ट करते हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यदि आप कहते हो कि इस भूमिका से हम सहमत नहीं हैं, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे कि हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस निर्णय से सहमत नहीं है। मैं अधिक लंबा नहीं जाऊँगा, बंटे जी के माध्यम से हम लोगों ने बाद में अर्जुन सिंह जी से मुलाकात की, बंटे जी के माध्यम से राष्ट्रपति जी से मिले, उस समय APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, और हम लोगों का एक शिष्टमंडल गया था, मगर राष्ट्रपति जी ने केवल 3 लोगों को अनुमति दी बंटे जी के साथ में, तो उसमें एक मैं था, एक हमारे थुल गुरु जी थे, और एक हमारी बड़ी दबंग कार्यकर्ता हम जिसको कहेंगे, जिसका उल्लेख बड़ा आवश्यक है, अलका ढोके, डॉक्टर अलका ढोके,
हम लोगों के साथ थे। राष्ट्रपति जी ने 15 मिनट का समय दिया, 39 मिनट तक हम राष्ट्रपति जी से बात की। और संक्षेप में इन सारे प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि संविधान में संशोधन हुआ, अनुच्छेद 15 में 5 जोड़ा गया, और 5 जोड़ने के बाद निजी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण प्राप्त हुआ। ये वंदना संघ की उपलब्धि है, जीवंत लोगों का संघ है, जीवंत लोगों के साथ जुड़कर, उनकी समस्याओं के साथ जुड़कर, उनके साथ जुड़कर हम बुद्ध, धम्म, बाबा साहब और संविधान, क्योंकि हम मानते हैं कि संविधान का आधार धम्म है, संविधान और धम्म एक नहीं है, संविधान का आधार धम्म है, ये हम लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं, और बाकी जो प्रयास करते हैं हमारे मित्र आपको बताएंगे। धन्यवाद। आपको एक वाक्य जो प्रोफेसर देवीदास घोड़ेस्वार सर ने कहा, आप शायद उसे समझ रहे होंगे कि ये जीवंत लोगों का एक जीवंत संघ है, और जो जीवंत लोगों का जीवंत संघ है वो जीवंत विषयों के साथ आगे बढ़ता है। और एक दूसरी बात जो प्रोफेसर देवीदास घोड़ेस्वार जी वंदना संघ की बात को समझाते हुए कहते हैं कि संविधान और धम्म, मतलब प्रैक्टिसिंग धम्म, ये कोई अलग नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज़्यादा मजबूती से हमारी समाज व्यवस्था में स्थापित करने के लिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम वंदना संघ के और भी सदस्यों से बातचीत करते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वंदना संघ का एक्टिविज्म कब से शुरू हुआ? वंदना संघ का ये शुरू, हम पहले यहाँ आते थे दीक्षा भूमि पे जी, कुछ लोग और बैठते थे, और उसके बाद में चाय पी के टपरी पे चाय पीते थे। लेकिन क्या हो गया कि उसमें ऐसा कि भाई अपन जाएंगे बैठेंगे और कुछ भी नहीं करूँगे, तो इसलिए फिर हमने क्या किया कि जो वंदना लेते आते हैं उनका वंदना संघ करके एक गट बन गया उसका। अच्छा, और फिर ये बन गया दीक्षा भूमि वंदना संघ। हाँ हाँ। तो ये अरे फिर क्या करना, बैठे हर संडे को आते हैं बैठे, तो बहुत से एक्टिविटीज बहुत किए हमने, समझे क्या, कोई जाना आने कहीं अन्याय अत्याचार हो गए वहाँ जाके देखना, जैसे भूम टोला जो हो गया था तो वहाँ गए थे, तो ऐसे बहुत काम, मैंने जो भी काम आएगा वो काम करते रहते। यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ जो आएगा वंदना संघ में वो हमारा सभासद। अच्छा। हाँ। एक बात सर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म क्रांति की, इस धम्म क्रांति का कितना प्रभाव आपने इस उनके बाद इस पूरे समुदाय पर देखा है? सबको जय भीम। वंदना संघ दीक्षा भूमि के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा दी, तब से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। आने का मकसद यही था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीति, इसका समाज में प्रचार और प्रसार हो, ये हमारा एक उद्देश्य था। इसलिए हमने महाराष्ट्र लेवल पर 2 परिषद दी, और हमने ये सोचा कि हम जब दीक्षा भूमि पे आते हैं तो पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करते हैं, धम्म स्तूप में जाते हैं, धम्म वंदना, बुद्ध वंदना, संघ वंदना लेने के बाद में बुद्धादिदेव का पठन करते हैं, या आने के बाद में हमारे एक्टिविटीज शुरू होती हैं। हमने बहुत सारा काम ये किया, शिक्षा का अभी बताया है प्राध्यापक देवीदास घोड़ेस्वार जी ने, आरक्षण का प्रश्न असो, खाजगीकरण का असो, हमने महाबोधि महाविहार का प्रश्न असो, हमने संविधान वंदना संघ के माध्यम से प्राध्यापक देवीदास घोड़ेस्वार ने ये महाबोधि महाविहार की घटना कैसी होना चाहिए इसका भी ड्राफ्टिंग किया है जी। अभी जो शिक्षा नीति का है उसका भी उन्होंने ड्राफ्टिंग किया है। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग ये दीक्षा भूमि के ओर से ये सामाजिक काम, धार्मिक काम, सांस्कृतिक काम, राजनीतिक काम करते आ रहे हैं और करेंगे,
जब तक लोग हम यह है तो आपको ये पता होगा कि स्वर्ण महोत्सव जब हुआ, आपको पता है जागतिक क्रिकेट का स्वर्ण महोत्सव हमने किया है वंदना संघ दीक्षा भूमि के माध्यम से, भंते सुरई ससाई के साथ में हम पूरे विदर्भ में एक खेल विभाग में जाके प्रचार किया, और मैं दक्षिण का इंचार्ज था तो मेरे बड़ी जवाबदारी था, 26% में सभी दृश्य निकाला था मैंने जी। तो बोलने का मतलब है कि वंदना संघ का कार्य ये दीक्षा भूमि के माध्यम से न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, हम न्यूज़पेपर नहीं, हम काम करते जाते हैं जी। ये प्रसिद्धि की अपेक्षा तो नहीं होती है, लेकिन ये काम चलता रहता है। आज इस वक्त में इस पूरे संघ से आपका परिचय कराने के पीछे जो मुख्य मकसद है वो भी यही है कि ये जो एक्टिविज्म है ये चल रहा है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, पता नहीं होता, इसको पता करवा रहे हैं। ये 66 साल का जो वक्त बीत चुका है बाबा साहेब की इस धम्म क्रांति को, इसका एक छोटा सा ये मूल्यांकन भी है। हम सर आपसे एक बात ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त में इस धम्म क्रांति को, ये जो 66 साल का जो सफ़र इसका हुआ है, ये सफ़र आपको कितना अच्छा लगता है? सबको जय भी। धम्म का प्रचार के लिए ये वंदना संघ 30 साल से प्रयत्न करती है, यानी वंदना। लेकिन आप कितने संतुष्ट हैं इस पूरे सफ़र से? मैं हम लोग बहुत संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ हर संडे को यहाँ हम लोग आते हैं और अपना 2 घंटा यहाँ देते हैं, अनेक समस्याओं के ऊपर में हम चर्चा करते हैं, और ये हमारा प्रयास ये रहता है कि धम्म का प्रचार हो, प्रसार हो। अभी 2 साल से तो ये बंद था, इस साल में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं धम्म चक्र परिवर्तन दिन जी। तो बाबा साहब ने 1956 में जो दीक्षा दी थी तो उसके बाद में यहाँ बहुत परिवर्तन आ गया। उस वक्त में हम लोगों का जीना क्या था सबको मालूम है। बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद में हम धम्म प्रचार में लग गए हैं। तो ये वंदना संघ की हम बात करें तो वंदना संघ 30 साल से काम करता है। वंदना संघ का 2003 में धम्म संसद हुआ था यहाँ विदर्भ स्तरीय, तो यहाँ 2 दिन का वो शिविर हुआ था, उसमें सब सारी चर्चा हुई थी कि हमारा धम्म के बारे में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, और वो हमारे उसी ऊपर में हम चल रहे। फिर 2004 में फिर दूसरी विदर्भ स्तरीय महाराष्ट्र स्तरीय धम्म संसद हुआ था, वो भी 2 दिन की थी। तो महाराष्ट्र के जो विचारवंत थे ऐसे लोगों को हमने बुलाए थे, और यहाँ बहुत तादाद में लोग 10-20 हज़ार के ऐसे तादाद में यहाँ लोग आए थे। तो मकसद यही था हमारा कि धम्म का प्रचार हो, और बहुत सारा धम्म का प्रचार हो रहा है, और अभी OBC लोग भी जुड़ रहे हैं। इस साल में एक मुंबई से कुछ 100-150 लोग आ रहे हैं, वो OBC समाज के हैं। तो ऐसा है कि वो यहाँ 5 तारीख को धम्म दीक्षा लेने वाले हैं जी। तो मतलब ये सिलसिला चल रहा है, चल ही रहा है ये। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कितने चैलेंजेस देखते हैं धम्म प्रचार के कार्य में, और जो जिन चैलेंजेस को फेस करना या फिर उन चैलेंजेस को मिटाना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि अभी उनको फेस किया जा रहा है, तो आप कौन से चैलेंजेस देखते हैं? सर्वप्रथम मैं आवाज़ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आवाज़ इंडिया हमारा समय दे रहा है, बहुत सारे वंदना संघ के तो बहुत सारे कार्य है, ये अभी इतने समय में नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपने जो चैलेंजेस की बात की है, चैलेंजेस तो वंदना संघ के सामने भी है और हमारे पूरे समाज के सामने भी है, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत वेग से बदलती जा रही है, और जो हिंदू धर्म की तरफ सब ये सत्ता केंद्रित हो रही है उसमें हमारा जो अस्तित्व है वो बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि वंदना संघ के माध्यम से एक OBC का धर्मांतरण हो रहा है। सीमाताई पाटिल जो है प्रसिद्ध अभिनेत्री है और वो OBC समाज मराठा समाज की है, वो 5 तारीख को जो धम्म दीक्षा ले रही है, तो सब हिंदूवादी संगठनों की नज़रें है
कि हमारे यहाँ से लोग जो धर्म दीक्षा ले रहे तो वो संकट की घड़ी भी हमको जागरूकता से हम देख रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस है और जो आने वाली पीढ़ी है उनके पास में कितना समय है ये भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हमारे लोगों के पास अभी नौकरियां नहीं है, व्यवसाय करने के लिए अभी बैंकों का कर्ज भी नहीं मिल रहा है, वो उसका जब ग्राफ देखेंगे तो दिन ब दिन वो कर्जा भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को पहले जैसी परिस्थिति तो ना पैदा हो जाएंगी, लाचारी तो नहीं आ जाएगी। मतलब इस तरह की चुनौती को आप महसूस कर रहे हैं? कर रहे हैं। हम इस समय में ये जो बातचीत कर रहे हैं ये दीक्षा भूमि वंदना संघ के साथ, इस बातचीत को हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन हम फिर प्रोफेसर देवीदास घोड़ेस्वार सर के पास जा रहे हैं। सर, एक कंक्लूडिंग मैसेज जो है वो आपसे लेना चाहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ महिलाएं भी उतनी सक्रिय सदस्य हैं, तो किसी एक महिला का कम से कम आप ये लीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ताई, आप इतने बरसों से वंदना संघ से जुड़े हैं, आप कैसा महसूस करते हैं कि वंदना संघ का ये जो कार्य है, इस कार्य से आपके जीवन में कैसा प्रभाव आता है? जैसे कि अभी तक सब वक्ताओं ने कहा है कि वंदना संघ में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है, महिला पुरुष का भी भेदभाव नहीं होता है। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाएँ जनरली घर से बाहर नहीं निकलती है, पढ़ी लिखी है अनपढ़ है जो भी है, लेकिन उनका एक जो भी समझ है, एटीट्यूड है, वो घर से बाहर निकलने का नहीं होता है। लेकिन हमें खुशी होती है कि यहाँ हमारी इतनी सारी महिलाएं आती हैं, आज कम है वैसे आती हैं। यहाँ आने के बाद दो तीन बातें वो महसूस करती है, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह ज़्यादा वो नहीं पढ़ती है, इसलिए करंट में क्या चल रहा है देश में, समाज में, अपने आजू बाजू में, तो यहाँ आने के बाद वो सारी बातें उसको पता चलती है। एक दूसरी बात, आपको पता है कि ज़्यादातर महिलाओं का ही काम होता है, घर पर बच्चे हैं, ये है वो है, उन पर संस्कार डालने का, विचार डालने का, उनसे आचरण करवा लेने का। तो यहाँ पर जब महिलाएं ये सब सुनती है धम्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में, और भी सामाजिक विषयों के बारे में, समस्याओं के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं विचार करती है और घर में अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर उसका कैसा सकारात्मक परिणाम हो सकता है उस हिसाब से वो कोशिश करती है। नहीं तो जनरली कहा जाता है महिलाओं को, तुला क्या समझते है, तुमको क्या आता है, तुमको क्या समझता है, रहने दो, इस तरह की जो भावना होती है हमारे समाज में आज भी पुरुषों की तरफ से या समाज घर के परिवार के पुरुष मंडली की तरफ से। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं होता है, यहाँ आने के बाद उनके विचारों में, उनके आचरण में जो परिवर्तन होता है वो घर पर दिखाई देता है। धम्म जीवन शैली का वास्तविक प्रभाव आपको दिखता है? बिल्कुल सही। तो उसका घर से वो अपना स्टार्ट करती है, जैसे कि अपन बोलते हैं कि कोई बात शुरू करना है तो अपने से शुरू करना, खुद उसका अनुसरण करना, तो ये महिलाएं यहाँ से शुरू करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग इस बातचीत को पूरा करने जा रहे हैं और प्रोफेसर देवीदास घोड़ेस्वार सर के पास फिर से जा रहा हूँ। सर, एक बात, बाबा साहेब के जो साहित्य रहे, उनके जो स्पीच रहे, भाषण रहे, उनमें से कहीं से पढ़ने में हमारे भी ध्यान में आता है कि बाबा साहेब इस बात के लिए बड़े मतलब आग्रही भी रहे कि इसके बाद जब मतलब धम्म क्रांति के बाद बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार में एक प्रशिक्षण केंद्र की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, बुद्धिस्ट सेमिनरीज की ज़रूरत पड़ेगी। वंदना संघ का इतना बड़े लंबे समय से ये काम चल रहा है, आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि एक चिंतक के रूप में आप भी इन सारी चीज़ों पर काम करते रहते हैं, तो हम इस पर भी जानना चाहेंगे। और एक कॉन्क्लूडिंग मैसेज जो एक 66 साल का मूल्यांकन करता हुआ आएगा, जो हमारे दर्शकों के लिए आपकी ओर से एक संदेश भी होगा, जो वंदना संघ का एक संदेश होगा। अच्छा, मैं जरूर इन प्रश्नों पर बात करूंगा, परंतु उसके पहले दो बातें मैं कहना चाहूंगा। जी, आपने क्रांति के समक्ष चुनौती की बात कही है। जी जी, मैं उस पर अपना मत रखना चाहूंगा। ये गए 16 साल से हम निरंतर ये मैगजीन प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है जी। पिछले महीने का शीर्षक है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, भारताचे स्वातंत्र्य और मताधिकार। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा मैगजीन करंट इश्यूज पर बोलता है और बाबा साहब को करंट इश्यूज के संबंध में, और ये वंदना संघ का धम्म घोष के रूप में भी बड़ा प्रसिद्ध है, इंटरप्रेट करता है जी।
धम्म चक्र प्रवर्तन दिन विशेषांक का हमारी थीम है धम्म चक्र प्रवर्तन, ध्येय आणि उद्दिष्ट, चिंतन आणि मनन पुन्हा एकदा। मैं चुनौती की बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी, मेरे जैसा आदमी सोचता है कि हम जिस उद्देश्य से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उस उद्देश्य को फिर से एक बार चिंतन मनन की आवश्यकता है। और इस चिंतन मनन की प्रक्रिया शुरू हो, जिसके चलते हमारे उद्दिष्ट हमें स्पष्ट हो और उस दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी स्पष्ट हो, और उसके आधार पर अलग अलग संगठन, अलग अलग व्यक्ति अपनी नीति, अपना कार्यक्रम निश्चित कर इस धम्म चक्र प्रवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके, ये चक्र प्रवर्तित। दूसरी आज सबसे बड़ी चुनौती जो है, एक उदाहरण के तौर पर, बाद में आप एडिट कर लेना जो भी करना है। अभी गणेशोत्सव हुआ, कर्नाटक से एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई, हम लोगों ने डिस्कस किया उसके ऊपर। वहाँ पर पेंडोल में सावरकर जी का बैनर लगाया गया, तो कांग्रेस ने कहा हम डॉक्टर आम्बेडकर का बैनर लगाएंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात में मैं नहीं जाऊँगा, मगर ये मान कर चला जा रहा है कि यदि हिंदुत्व की फिलॉसफी का कोई जवाब है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की फिलॉसफी है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि केवल बुद्ध का धम्म और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी ही हिंदुत्व को चुनौती दे सकती हैं, यह हिंदुत्ववादी मानते हैं। इसलिए जो प्रतिक्रांति की प्रक्रिया शुरू की गई है हिंदुत्ववादियों की ओर से, वह प्रक्रिया बुद्ध के अगेंस्ट में है, वह प्रक्रिया धम्म के अगेंस्ट में है, वह प्रक्रिया धम्म चक्र प्रवर्तन के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में जो क्रांति करना चाहते हैं उस क्रांति के विरोध में है। और यह सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का मुकाबला करना वंदना संघ के बलबूते की बात नहीं है। वंदना संघ एक मोमबत्ती है। तो वंदना संघ क्या अपेक्षा रखता है? वंदना संघ एक मोमबत्ती है जी, वंदना संघ एक मोमबत्ती है, और उधर फ्लड लाइट्स हैं, उधर फ्लड लाइट्स हैं, फ्लड लाइट्स और मोमबत्ती। वंदना संघ सिर्फ यह अपेक्षा करता है कि इस मोमबत्ती के प्रकाश में वंदना संघ एक राह निर्धारित कर रहा है। इस मोमबत्ती से अनेक मोमबत्तियाँ जलनी चाहिए, और जो मोमबत्तियाँ जलाकर हम फ्लड लाइट्स का मुकाबला कर सके, इस प्रतिक्रांति को रोक सके, या मान कर कि इसको रोकने की शक्ति केवल हम में है, क्योंकि हमारे साथ बाबा साहब है, हमारे साथ बुद्ध हैं, और इसको रोकने की शक्ति केवल हम में है। चुनौती हमको स्वीकार करनी ही पड़ेगी, यदि जिंदा रहना है तो, अस्तित्व कायम रखना है तो, हमारे सामने और कोई मार्ग नहीं है। अब आपका प्रश्न दोहराइए आप। अब हमसे, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वंदना संघ क्या अपेक्षाएं रखता है इस पीढ़ी से, जो इस वक्त में व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं और वंदना संघ इतने बरसों से एक्टिविज्म कर रहा है, तो वंदना संघ को क्या लगता है कि इस धम्म क्रांति को और विकसित होने के लिए और मजबूत होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें से एक बात जो हमने कही थी आपसे कि बाबा साहेब चाहते थे कि बुद्धिस्ट सेमिनरी का निर्माण हो, क्या आपको लगता है कि क्या इसकी भी ज़रूरत है, इस दिशा में भी काम होने चाहिए? हाँ, बाबा साहब चाहते थे कि सेमिनारी निर्माण हो, क्योंकि उसके पीछे धारणा यह थी कि धम्म को ग्लानि क्यों आती है। यह उल्लेख बाबा साहब के 15 अक्टूबर 1956 के भाषण में भी आया हुआ है। बुद्ध और धम्म की प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख है कि धम्म को ग्लानि क्यों आती है। यदि धम्म के प्रसारक सुबुद्ध नहीं हुए, सुविद्य नहीं हुए, प्रज्ञावान नहीं होते हैं, तो धम्म को ग्लानि आना अवश्यंभवी है। तो इसीलिए यदि धम्म का प्रचार करना है तो केवल भिक्कुओं के भरोसे नहीं, उपासक उपासिकाओं को भी सुबुद्ध होना पड़ेगा, प्रबुद्ध होना पड़ेगा, प्रज्ञावान होना पड़ेगा, धम्म को बड़े अंतर्मन से जानना होगा और लोगों तक समझे ऐसा पहुँचाना होगा, और इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वह बुद्ध भिक्कुओं के लिए भी है,
उपासकों के लिए भी है, उपासिकाओं के लिए भी है, सबके लिए, यदि सब धम्म प्रचार से जुड़ना चाहते हैं तो। मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर दीक्षा भूमि का और विशेष तौर पर दीक्षा भूमि के स्मारक समिति के अध्यक्ष बंती सुराई सोसाइटी का मन से आभार मानता हूँ कि इस साल उन्होंने एक सेमिनारी शुरू की है दीक्षा भूमि के जगह पर, उंडखाना में एक सेमिनारी शुरू। यह प्रयास सराहनीय है, परंतु यह प्रयास अपर्याप्त है, इसको पर्याप्त करना होगा। और फॉर्मल सेमिनारीज कितनी बना सकते हैं मालूम नहीं, मगर इनफॉर्मली हम लोग छोटे छोटे प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते, लोगों को प्रबुद्ध करने के प्रयास कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं। बिना शिक्षण प्रशिक्षण के मुक्ति नहीं है, बिना शिक्षण प्रशिक्षण के धम्म का प्रचार प्रसार भी नहीं होगा। परंतु कुछ क्या कहेंगे उसको कि डायलेमाज हैं, कुछ विरोधाभास हैं, कभी कभी धम्म और राजनीति, कभी कभी धम्म और संविधान, इस प्रकार के डिलेमास हमारे सामने उपस्थित होते हैं और यह मेरे लिए छोटे हो सकते हैं, परंतु धम्म के प्रचार में यह बड़ी बाधाएं भी उपस्थित करती हैं। इस समाज को यह भी सोचना होगा कि धम्म और राजनीति का संबंध क्या होना चाहिए, धम्म और संविधान का संबंध क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें राजनीति भी चाहिए, हमें धम्म भी चाहिए और हमें संविधान भी चाहिए। जब तक इन तीनों के सहसंबंध को हम स्पष्टतया व्याख्यायित नहीं करेंगे, तब तक तीनों में आगे बढ़ने में हमें बाधाएं उपस्थित होगी। मैं चाहूँगा कि आवाज इंडिया, ये मेरा लास्ट मैसेज जो है, जो मैंने कहा है कि हमें धम्म चाहिए, हमें राजनीति चाहिए, क्योंकि राजनीति से हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से हम सोशल डेमोक्रेसी तक जाना चाहते हैं, इसलिए हमें राजनीति चाहिए और हमें संविधान भी चाहिए। हम तीनों को छोड़ नहीं सकते, परंतु तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकृत करते हुए तीनों का समन्वय किस प्रकार से हो, यह सोचना, इसकी सोच, स्पष्ट सोच जरूरी है, अन्यथा तीनों क्षेत्रों में हम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी होती हो रही है। थैंक यू जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम लोग बातचीत कर रहे थे यहाँ दीक्षा भूमि वंदना संघ के साथ। दरअसल दीक्षा भूमि वंदना संघ का ये रेगुलर प्रोग्राम होता है और संडे को ये प्रोग्राम चलता है, लेकिन हमने ये वक्त इनसे लिया और वंदना संघ ने ये वक्त हमें दिया और हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए दीक्षा भूमि वंदना संघ के प्रति भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। धम्म क्रांति का ये 66 सालों का मूल्यांकन आपके पास हम लगातार पहुँचा रहे हैं। Oh, oh, oh.